Hello guys, welcome to another video of confusing word series. Today we will going to discuss some confusing words. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. Board versus board. Board. Board का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा. Board refers to a flat piece of material or a group of people overseeing an organization. Okay, example. She nailed the sign to the board outside the shop. बोर्ड बोर्ड का मतलब होता है उबा हुआ. ठीक है. बोर्ड डिस्क्राइब्स अ फीलिंग ऑफ डिसइंटरेस्टेड और लैक ऑफ एंगेजमेंट. एग्जांपल, आई फेल्ट बोर्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग लेक्चर बिकॉज द टॉपिक वाजंट इंटरेस्टिंग टू मी. ओके, नेक्स्ट. बॉल वर्सेस बाउल. बाउल का मतलब होता है चीखना. बॉल मीन्स टू क्राई लाउडली एंड अनकंट्रोलेबली. द बेबी बिगन्स टू बाउल लाउडली व्हेन हर टॉयज वाज टेकन अवे. ओके, बाउल. बाउल का मतलब होता है कटोरा. बाउल इज अ राउंड डीप डिश यूज्ड टू होल्डिंग फूड लिक्विड और अदर आइटम्स. ओके, एग्जांपल, आई सर्व्ड सूप इन अ लार्ज सिरेमिक बाउल फॉर डिनर. नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैरोन वर्सेस बैरन. बैरोन बैरोन का मतलब होता है जमींदार. इट रिफर्स टू अ नोबलमैन विथ लैंड एंड टाइटल. फॉर एग्जाम्पल, द बैरोन हील्ड वास्ट स्टेट्स एंड वेल्डेड कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस इन द रीजन. बैरन बैरन का मतलब होता है बंजर. इट डिस्क्राइब्स लैंड दैट इज इनफर्टाइल और सिचुएशन लैकिंग इन लाइफ और प्रोडक्टिविटी. एग्जाम्पल, द डेजर्ट इज नोन फॉर इट्स बैरन लैंडस्केप विथ वेरी लिटिल वेजिटेशन एबल टू ग्रो इन द हार्श कंडीशंस. बैटर वर्सेस बैटर. बैटर बैटर का मतलब होता है सुधारना. इट डिस्क्राइब समथिंग ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक होम मेड कुकीज टेस्ट बैटर देन स्टोर बॉट वंस. बैटर बैटर का मतलब होता है अधिक अच्छा. इट रिफर्स टू अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन कुकिंग. आई मिक्स्ड द फ्लोर एंड एग्स टू मेक पैनकेक बैटर फॉर ब्रेकफास्ट. बीट वर्सेस बीट. बीट बीट का मतलब होता है चुकंदर. अ बीट इज अ रूट वेजिटेबल विद अ डीप रेड और पर्पल कलर. एग्जाम्पल, आई रोस्टेड सम बीट्स फॉर डिनर टू सर्व विद गोट चीज एंड अरगुला सलाद. बीट बीट का मतलब होता है पीटना. बीट कैन मीन टू स्ट्राइक विन इन कंपटीशन और पल्सेट रिदमिकली. एग्जाम्पल, आवर टीम मैनेज टू बीट द अपोजिंग टीम इन द बास्केटबॉल गेम. ब्लंच वर्सेस ब्लंच. ब्लंच ब्लंच का मतलब होता है पीला पड़ जाना डर के मारे. ब्लंच मीन्स टू टर्न पेल एज इफ इन फियर. फॉर एग्जाम्पल, द थॉट ऑफ सीइंग हिज फॉर्मर गर्लफ्रेंड मेड हिम ब्लंच. ओके, नेक्स्ट. ब्लंच ब्लंच का मतलब होता है सहसा चौंकना. टू मूव बैक और अवे सडनली और रिएक्ट फिजिकली बिकॉज समथिंग फ्राइटन्स. फॉर एग्जाम्पल, सी ब्लंचेड व्हेन दे शोड द स्लॉटरिंग ऑफ द कॉफ. ब्रॉयलिंग वर्सेस बॉयलिंग. ब्रॉयलिंग ब्रॉयलिंग का मतलब होता है भूनना. बॉयलिंग इज अबाउट कुकिंग फूड विद हाई हीट फ्रॉम अबव. फॉर एग्जाम्पल, द वुमेन टॉयल इन द ब्रॉयलिंग सन. ओके, बॉयलिंग बॉयलिंग का मतलब होता है उबालना. बॉयलिंग इज अबाउट कुकिंग फूड इन लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग पास्ता इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ बॉयलिंग. ओके, ब्लो वर्सेस ब्लो. ब्लो का मतलब होता है गर्जना चीखना. Blow means to shout loudly, often with a deep booming voice. For example, the lion let out a powerful blow to assert its dominance over the pride. Blow. Blow का मतलब होता है नीचे. Blow indicates a position lower than something else beneath a certain point. Okay. For example, the treasure chest was hidden below the old oak tree. Okay. Next, birth versus birth. Birth. Birth का मतलब होता है जन्म. Birth refers to the process of being born or bringing for new life. Example, the baby's birth was a joyous occasion for the whole family. Birth. Birth का मतलब होता है गाड़ी में सोने की जगह. Birth is a designated place for a vessel or sleeping area. Example, we reserved a sleeping berth on the overnight train for our journey. Okay. Next है biennial versus biannual. Biennial. Biennial का मतलब होता है द्विवार्षिक. Biennial means occurring every 2 years. For example,
The biennial science fair attracts participants from all over the country. Biannual, biannual का मतलब होता है साल में दो बार होने वाला. Biannual means occurring twice a year or every 6 month. For example, the company holds biannual meetings in January and July to review its performance. Bore versus bore. Bore, bore का मतलब होता है छेद करना. Bore can mean to drill a hole to cause weariness or type of a tidal wave. For example, the construction crew used to drill to a bore holes in the wall for new shelves. Bore, bore का मतलब होता है जंगली सूअर. A bore is a male pig, especially one that is wild, not castrated. Example, we stopped a large boar roaming in the forest during our hike. Next word है हमारा war versus battle. War, war का मतलब होता युद्ध. War encompasses a prolonged and organized conflict involving multiple battles. Okay, example, World War II was one of the deadliest war in the history, involving many countries and lasting for several years. Battle, battle refers to single violent engagement within a large conflict. The soldiers fought bravely during the decisive battle, which determined the outcome of the war. Bat versus bat. Bat. Bat का मतलब होता है बल्ला. It refers either to a flying mammal or the equipment used in sports like baseball. For example, I saw a bat flying around the street light last night catching bugs. Bat. Bat refers to something used to attract and catch fish or animals, often used in fishing or hunting. For example, when fishing, you might use a worm as a bat to attract fish to your hook. Baneful versus baleful. Baneful. Baneful का मतलब होता है हानिकारक. Baneful refers to something that is harmful or destructive, typically causing ruin or serious harm. For example, the baneful effects of pollution on the environment are becoming increasingly evident. Baleful. Baleful का मतलब होता है, baleful describes something that is threatening or harmful, often indicated an evil or menacing nature. Okay, example, he just give me a baleful look. Border versus border. Border. Border का मतलब होता है वह जो किसी के साथ रहता है. Border denotes a person who pays to live in someone else's house. Example, we have a boarder staying with us while they attended the nearby university. Okay, border. Border का मतलब होता है किनारा. Border refers to a line separating two areas. For example, the river forms a natural border between two countries. Okay, next, blonde versus blonde. Blonde. Blonde का मतलब होता है गोरे रंग की स्त्री. It refers to a person, usually a female, with fair or light colored hair. Okay, for example, she is a blonde. Okay, blonde. Blonde का मतलब होता है गोरा पुरुष. ओके, ब्लॉन्ड इज ट्रेडिशनली यूज टू डिस्क्राइब मैन और बॉयज विथ लाइट हेयर. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ब्लॉन्ड. ब्रीद वर्सेस ब्रीद. ब्रीद. ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, रेफरिंग टू द एयर टेकन इन टू फ्रॉम द लंग्स. एग्जाम्पल, सी टुक अ डीप ब्रीद बिफोर जम्पिंग इन टू द कोल्ड वाटर. ओके, नेक्स्ट, ब्रीद. ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना. ओके, बिकॉज इट इज वर्ब. ओके, this means inhale and exhale air. Example, close your eyes and focus on breathing deeply and slowly. Okay, next word hai bridal versus bridal. Bridal ka matlab hota hai vivah. Bridal relates to weddings or brides. Example, the bridal gowns was adorned with lace and pearls. Bridle. Bridle ka matlab hota hai lagam. Bridle is a piece of equipment used to control a horse. Example, the rider adjusts the bridle before mounting the horse. Okay, next, bastard versus bastard. Bastard एक प्रकार की चिड़िया होती है. Bastard refers to a type of bird. For example, the great bastard is one of the heaviest flying bird in the world. Okay, bastard. Bastard. Bastard is a derogatory term or an offensive insult. Example, he called his co-worker a bastard after they insulted him. Next word है बाजार वर्सेस बाजार. ओके, बाजार. बाजार रिफर्स टू अ मार्केट और मार्केट प्लेस.
Example, we explored the bustling bazaar, browsing through stalls selling spices, textiles and souvenirs. Bizarre. Bizarre का मतलब होता है विचित्र. It describes something out of the ordinary. Example, the artist's painting was so bizarre that they left viewers puzzled and intrigued.